बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की जानिब से आप देख रहे हैं सुजुकी लियाना 2008 मॉडल, हमारे हाथ की हुई गाड़ी ऑटो M13 से M15। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ M15। ये अच्छा जी, इसकी आज हमने टोटल बॉडी चेंज की है। टोटल बॉडी M15 की ही लगी हुई थी, हमने M15 की टोटल बॉडी निकाल कर M18 की टोटल बॉडी लगाई है। शाम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची की जानिब से आप सब भाई देख रहे हैं सुजुकी लियाना M15 ऑटो। अच्छा जी, इस गाड़ी में डबल पल्सर वाला हमने गियर डाला था। ये गाड़ी आपकी चली हुई है 49,416 किलोमीटर। उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची से आप देख रहे हैं सुजुकी लियाना M15 का ओवरव्यू। अच्छा जी, आज इसकी टोटल बॉडी मैं आपको दिखा दूं। इसकी ये रही टोटल बॉडी जो हमने निकाल के रिप्लेस की है। इस टोटल बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने जो है कस्टमर ने हमारा M18 का लास्ट वाला प्रोजेक्ट देखा और उससे मुतासिर होकर उसके अंदर जो टोटल बॉडी होती है चेंज होती है, बड़े बटरफ्लाई वाली होती है, तो ये M15 वाली टोटल बॉडी निकलवा कर M18 वाली टोटल बॉडी लगाई है। M13 और M15 में टोटल बॉडी का साइज़ एक ही होता है, तो बेसिकली ये जो आप टोटल बॉडी इस वक्त देख रहे हैं ये M13 की टोटल बॉडी है। ये इसका TP सेंसर होता है, ये इसकी एक ये इसका ISC वॉल होता है, ये इसके पानी के टोटल बॉडी के पाइप होते हैं जहाँ से पानी इन और आउट होता है, और ISC वाल के RPM ठंडी गाड़ी पे ज़्यादा और गर्म गाड़ी पे कम होते हैं। ये एक्सीलेटर की इसकी सेटिंग करने के लिए एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ होता है, इससे आप RPM थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं, थोड़े से कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बटरफ्लाई होती है इसकी, जब आप एक्सीलेटर ओपन करते हैं तो ये इसकी ओपन होती है और TP सेंसर का सिग्नल ECM को फराम होता है। अच्छा जी, गाड़ी में हमारे पास किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची की ये गाड़ी है। गाड़ी मैनुअल थी पहले, हमने इसको ऑटो पे शिफ्ट किया और फाइनली गाड़ी ऑन द रोड कराची से रहमियर खान, सखर, मुल्तान तमाम शहर बआसानी बगैर किसी परेशानी के AC के साथ फुल लोड के साथ टूर करके वापस आ चुकी है। कस्टमर की हमारे पास इसमें किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट मौजूद नहीं है। अभी मैं आपको अंदर बैठ के सारी चीज़ें चेक करवा दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये हम बैठ गए हैं सुजुकी लियाना के अंदर। ये देखिए जी, इसका ऑटो का लीवर ओरिजिनल अपनी जगह पर ही आता है बगैर किसी कटिंग के। आप देखेंगे जिस तरह मैनुअल गाड़ी के अंदर कंसोल फिक्स होता है, सेम उसी फिटिंग पर इसका ऑटो का कंसोल आता है। क्यों? क्योंकि सुजुकी लियाना कंपनी ने ऑटो भी दी है और मैनुअल भी दी है। हम इसके अंदर ऑटो का जो भी सिस्टम शिफ्ट करते हैं वो सुजुकी लियाना का ही शिफ्ट करते हैं। उसके अंदर ट्रांसमिशन कार्ड, वायरिंग, एक्सल, मीटर प्लस उसका ट्रांसमिशन का TCM, इंजन का ECM, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लियाना के कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छे हैं और हमारे पास लियाना यूज़र्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमारे कस्टमर हमारे काम से तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श और उन तसल्ली होती है उनको। वो कहीं भी ऑन द रोड बेफिक्र होकर गाड़ी हमें चेक करवा के निकल जाते हैं। और ये हम आज से काम नहीं कर रहे, तकरीबन 20 साल से पिछले हम सुजुकी गाड़ियों का काम कर रहे हैं। स्पेशली आप बोल सकते हैं कि सुजुकी लियाना, सुजुकी बलिनो की हमारे पास ज़्यादा है, इसकी एक्सपर्टीज़ हमारे पास ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह AC ऑन कर दिया मैंने। कस्टमर का फीडबैक मैं आपको लेकर दे देंगे। कस्टमर अभी मौजूद नहीं है। शाम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची की जानिब से आप देख रहे हैं सुजुकी लियाना। सुजुकी लियाना एक अच्छी गाड़ी है, मार्केट में एक अजीब व गरीब किस्म की हाइप क्रिएट है कि जी लियाना
की रीसेल वैल्यू नहीं है, लियाना की लियाना गाड़ी के अंदर मसले मसाइल ज़्यादा आते हैं, लियाना की गाड़ी लियाना गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस का ख़र्चा बहुत आता है, लियाना गाड़ी के मकैनिक नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह उसाम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे आपको इस सिनेरियो की किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। आप किसी भी वर्कशॉप विज़िट कर सकते हैं, कस्टमर से ख़ुद आप मिलकर उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से 100% सर्टिफाइड होते हैं तो अपने कस्टमर को हैंड पे डिलीवरी देते हैं, अदरवाइज़ हम भी कस्टमर से माजरत कर लेते हैं कि जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। थैंक यू टीम उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची, थैंक यू लियाना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।